अब आप दोनों अग्नि के सात फेरे लेंगे। सात फेरे सात वचनों के साथ शुरू होता है। हर वचन सुख शांति और जीवन को समानता से जीने के लिए होता है। वर वधु फेरे शुरू करें। दूसरा फेरा शुरू करें। सुनो जजमान, चार फेरे हो गए। अब वर वधु के आगे रहेगी और इस तरह वर वधु बाकी के फेरे पूरे करेंगे। बस अब सातवां और आखिरी फेरा और उसके बाद ये शादी संपन्न हो जाएगी। ये शादी नहीं हो सकता। पिंकी हमरा प्यार है, हम अपना प्यार को किसी और के साथ फेरा नहीं लेने दे सकते। ए, का बकवास कर रहा है बे? खबरदार, कोई भी अपनी जगह सही ला तो साला गोली मार देंगे, लाशें बिछा देंगे। तमाशा मत करो, नहीं तो यहीं पर मारेंगे। ए मास्टर, ये तुम्हारा कोनो स्कूल नहीं कि हम यहाँ तुम्हारा ऑर्डर माने। चल पिंकी। ए मास्टर, चलो हमारा साथ, हम तुमको ही पागल मास्टर के कैसे आजाद करा दिए। मम्मी, ये तो बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रहा है, कहीं मामला गड़बड़ा ना जाए। हमारे भाई पे बंदूक ताने का? भैया के ऊपर बंदूक था, भैया के ऊपर। छोड़ दो उसे। नहीं, बात सुना पिंटू। मैं इसका हिम्मत कैसे हुआ यहाँ आने का? हम इसको नहीं छोड़ेंगे। इसको छोड़ दो पिंटू, पिंटू छोड़ दो, पिंटू छोड़ दो इसे, इसको यहाँ से बाहर ले जाओ। ले जाइए बाहर, ले जाइए इसको बाहर, ले जाइए।
सभी को बाहर छोड़ के आते पिंटू जी। रवि हम इसको लेके जाते हैं, हम देखते हैं। चल चल पिंटू। चलिए 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 आइए चलिए। हम सच कह रहे हैं, हम उस आदमी को जानते तक नहीं है। नानी कहां से आ गया, कौन है? अरे नहीं नहीं बेटा, हमने तुम पर शक नहीं किया। ऐसे तो बहुत ही लफंगे लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। ये सब भूल जाओ पंडित जी, आप शुरू कर दीजिए। चार पांच तो आदमी को आप देखरेख के लिए नहीं रख सके, जिसको देखिए घुसा चला रहा है। अरे पिंटू भैया आप काहे मार रहे हो, अब तो कोई देख भी नहीं रहा। वो का है ना, बहुत दिनों के बाद हमको अपना हाथ साफ करने का मौका मिला, इसलिए मजा आ रहा था। पिंटू भैया क्या कर रहे हो, लग रहा है भाई जोर से लगता है। अच्छा इधर आओ, हमको पहले ये बताओ तुम ओवर एक्टिंग काहे कर रहे थे, और कट्टा काहे लेके आए, और शराब काहे पिए? हाँ अरे भैया शराब कहाँ पीकर आए थे, तू बस थोड़ा बोतल लेकर मुंह पे छिड़क लिया, कहे कि ड्रामा असली लगना चाहिए ना भाई। ये लो ये पकड़ो, और ये एक्स्ट्रा अपना मालिश वालिश करवा लेना। हाँ हाँ चलो फुटो। सातों फेरा संपन्न हुआ, बबलू जी और पिंकी आपस में पति पत्नी हो गए। अब ये दोनों अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। अब हमारा काम संपन्न हुआ, अब हमें आज्ञा दीजिए। हमें भी आज्ञा दीजिए पंडित जी, आपकी दक्षिणा। धन्यवाद। ओ पंडित जी। जी यहाँ ये तो जी पंडित जी ये हमारी ओर से ये। लेकिन टुनटुन बाबू हमें तो दक्षिणा मिल गया है। अरे पंडित जी हम बहुत खुश हैं, आप इतना अच्छे से शादी वादी करवाए हैं, ये उसके लिए एक छोटा सा नजराना है हमारी तरफ से। रखिए रखिए। हमारे साथ हो। कहाँ? बताते हैं, चलो तो सही। विवाह तो संपन्न हो गया, परंतु जैसा आप चाहते थे, शास्त्रों के मुताबिक ये दोनों अभी तक वर वधु नहीं बने। काहे कि विवाह की हर अहम विधि में कोई न कोई अड़चन चाहे गलती जरूर हुआ है। पंडित जी धन्यवाद, आप खुद नहीं जानते कि आप हम पे कितना बड़ा एहसान किए। धन्यवाद। Thank you.
देख रहे हैं भैया कितना शान से शादी कर रहे हैं अपने बिटिया का। अब पूरा जिला से जो है फूल पत्ती मंगा के लगा है पूरा गाड़ी में और नया गाड़ी बुक किए। अब देखो हमारी तरफ से नया प्राइस तोहफा। बड़ी माँ हम हैं। लगता है भाभी को जाने का मन नहीं कर रहा है, इनको यहीं रहने देते हैं, दिल भर के रो ले फिर बुला लेंगे। पिंटू सिंह ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? उसे टोक काहे रहे हैं? अरे मजाक करने दीजिए, पिंकी उसकी भाभी है, मजाक करने का पूरा हक है इसे। की बात है। हाँ, काहे नहीं, एकदम हक बनता है। चलिए गाड़ी में बैठिए, बबलू सिंह आओ, आ जाओ पिंकी बिटिया, बैठो। चलिए बैठ, ध्यान रखिएगा। चलो भाई गाड़ी चलाओ, चलो भाई। हाँ जाओ। अरे अरे क्या हुआ, गाड़ी कहाँ रोक दी? अरे जाने दो भाई। क्या हुआ? लगता है टायर पंचर हो गया। अच्छा चलो पिंकी नीचे उतरते। क्या हुआ भाई? पंचर हो गया। पंचर हो गया क्या? अरे इतना खर्चा किया फूल पत्ती लगाने में, आके तक गाड़ी खराब हो गया है। क्या करो, टांग चीर देंगे तुम्हारा, समझ में आया? अरे इसमें इसका क्या गलती है, भागलपुर का सड़क ही ऐसा है, ये बेचारा क्या करेगा। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा कौन सा टायर पंचर हुआ? ये ठीक है। अच्छा ये वाला तो नया टायर लेके काहे नहीं आए बे? जानते तुमने मालिक को कितना पैसा दिए? 10,000 और नोट छापने का मशीन लगाया क्या घर में? हैं? दूसरा गाड़ी मंगवा, समझ में आ? आधा घंटा लगेगा साहब गाड़ी आने में। अब दूसरा गाड़ी मंगाने का कोई जरूरत नहीं, एक काम करते हैं इनको अपने साथ ही ले चलते हैं, वैसे भी घर ही तो जाना है। अरे नहीं भाभी जी, कैसा बात कर रहे हैं आप चिंता मत कीजिए, आधा घंटा में कहाँ बिगड़ जाएगा। देहाती जी आप इनको अंदर लेके जाओ, हम अभी व्यवस्था करते। लड़की के पापा भी ना उसे गलत समय पे जिद कर लेते। लेके जाइए। चलो चलो लड़की, आइए बबलू जी, हम अभी फुलवा करते हैं। तुम लोग भी घर जाओ, अभी टाइम लगेगा। हम बोल रहे हैं, पता चला तो जल्दी भेजिए वरना इंतजाम हो जाएगा आपका। कभी बुकिंग नहीं कर पाए यार, समझ में आया? सुनी जी हम एक काम करते हैं, पिंटू और कृष्णा के साथ घर चले जाते हैं, नई दुल्हन आएगी स्वागत के लिए तैयारी भी करना है, आप इन लोगों के साथ चले आइएगा। हाँ हाँ ठीक, ये ठीक। प्रणाम भाभी। पिंटू सोनुआ को सुला दो बेटा, बहुत थक गया है वो। हाँ
कृष्णा, वो लोग आते ही होंगे। आरती की थाल वगैरह सब कुछ तैयार करना होगा, कलश भी तैयार करना होगा और आलते वाली थाल भी तैयार करना होगा। दुल्हन उसी में पैर रखकर घर में प्रवेश करेगी। अब हम भी तैयारी कर देते हैं। माँ जी, आप यहाँ आराम से बैठिए, हम सारा तैयारी फटाफट कर लेते हैं। ठीक है बिटिया। ये गाड़ी आया है, कहाँ है फूल पौधा? काहे नहीं लगाया, सजा के काहे नहीं लगाया गाड़ी? पैसे के पेड़ पे लगते हैं क्या? अरे का बिहारी, तुम भी एक बात पकड़ के पड़ गए हो। अरे बेटी का पूरा शादी नशा में हिलते डुलते बिता दिए हो। अरे कम से कम अभी तो होश में आओ, उसके बाद समय कहाँ था सजाने वजाने के लिए। चलो चलो बेटा, आओ बैठो, चलो। गाड़ी चलाओ, अच्छा से लेके जाना। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं के कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना। पता नहीं आज पापा को क्या हो गया, वैसे तो ऐसा नहीं करते। पता है बेटा, पता है, कोई बात नहीं। प्यारी, चलो चलो भाई चलो। मैं के की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। चुप हो जाइए ना। बाबुल की दुआ। सब तैयारी हो गया, वो लोग बस आते ही होंगे। हाँ माँ जी, इकलस, आरती और अलता का थाल भी तैयार हो गया। ठीक है, सोनुआ सो गया। अरे लगता है वो लोग आ गए। तुम इस घर में बहू बन के आ तो गई हो, लेकिन याद रहे, हमसे मुकाबला करने का कोशिश मत करना। वो कहावत सुनी हो ना, तुम डाल डाल, हम पात पात। तुम जब भी इस परिवार का हित करने का कोशिश करोगी, हम तुमको ढाल बन के खड़े मिलेंगे।